हेलो, वेलकम और स्वागत है आपका। मैं आज और आप सब अर्चना ताई से एक नई रेसिपी सीखने वाले हैं, तो चलो बुलाते हैं अर्चना ताई को। अर्चना ताई आ जाइए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाय हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अपनी आज की रेसिपी है पालक पनीर टिक्की। ओके। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स है 2 कप्स बंच पालक, 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून फ्रेश एंड प्योर का तेल, गोल्डन हार्वेस्ट नमक स्वादानुसार, फॉर ब्लेंडिंग के लिए आएगा 1 ऑनियन, 1 टमाटर, 3-4 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 2-3 गोल्डन हार्वेस्ट के लौंग, 1/2 इंच गोल्डन हार्वेस्ट की दालचीनी, 3-4 गोल्डन हार्वेस्ट की काली मिर्च, गोल्डन हार्वेस्ट का नमक स्वादानुसार। फॉर पनीर टिक्की 2 आलू, 100 ग्राम्स पनीर, 1-2 हरी मिर्च, 1 टीस्पून गोल्डन हार्वेस्ट गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून देसी आटे का कॉर्नफ्लावर। ओके, अब लेते हैं पानी और इसको क्या करते हैं, पानी को पहले बॉईल करने के लिए रख देते हैं। इसे अच्छी तरह से उबलने देना है। जैसा पानी उबलने लगेगा तो हम क्या करेंगे, ये पालक के जो पत्ते हैं वो इसमें डाल देते हैं। ओके। इसको हल्का सा एक उबाला तो आना ही चाहिए। ओके। और तब तक मैं एक जो ऑनियन है वो काट लेती हूँ। और ये हम पेस्ट के लिए डाल रहे हैं, इसके लिए मोटा मोटा ही काटा है। ओके, क्योंकि टमाटर मिक्सर में जा रहा है। ओके, एक टमाटर लेंगे हम, उसके बाद 1/2 इंच अदरक, 7-8 गार्लिक क्लोव्स, लहसुन की कलियां, हम लेंगे 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी। ओके। और 3-4 काली मिर्च। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ओके। तो ये हो गया है, बन गई है। हम इसे यहाँ लेके रखते हैं। ओके। अब क्या करेंगे हम कि टिक्की बनानी है, तो ये लो हमने ले लिया आलू और ये है हरी मिर्च। अब फिलहाल पहले क्या करेंगे, हम पनीर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेते हैं। ओके। यहाँ पे लिया है 100 ग्राम पनीर। ओके। अब हम इसमें लेंगे बॉईल किए हुए पोटैटोज आलू। ओके। हम 4 ले लेते हैं। अब हम लेंगे इसमें हरी मिर्च, उसको बारीक चॉप करते हैं। और ये हमने लिया है 4। तीखा ज़्यादा पसंद नहीं हो, घर पे बच्चे हो तो आप मिर्च का क्वांटिटी कम कर सकते हैं, नहीं तो बढ़ा भी सकते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक। ओके, डालू? हाँ। ओके। अब क्या करेंगे, इसके एक साइड में टिक्की बना लेते हैं। और इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल, और तेल डालने के बाद उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अब इसमें जाएगा ग्राइंड मसाला। ओके, इसको मैं कर लेती हूँ इसको मिक्स। चलो। हाँ। तो ये हमारा हो रहा है ग्रेवी। हाँ। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। ओके। और अक्षय पालक लेके आ, जो पेस्ट बनाने के लिए दी थी वो। ओके। और जब तक अक्षय जी पालक लेके आ रहे हैं, हम बना रहे हैं टिक्की। तो चलो, हम यहाँ पे डाल रहे हैं सॉल्ट स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे हम ग्रेवी में डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। ओके, तो अभी हम प्यूरी डाल देंगे, चम्मच दे दो। एक मिनट, मैं आपको चम्मच दे देती हूँ, वो भी चलेगा। अब देखते हैं ये हो गया है कि नहीं। यस, ऑयल हो गया है गरम। अब इसमें हम ये डाल देते हैं टिक्की, क्योंकि शैलो फ्राई करना है। अपने देखते हैं, ये थोड़े हो गए क्या साइड से? आई डोंट थिंक हो गए हैं। थोड़ा सा हम गैस उसका बढ़ाएंगे यहाँ पे। हाँ, बहुत ही अच्छी महक आ रही है ताई। इसको हम निकाल लेते हैं। ओके तो ये एक तरीका हुआ, मतलब सजावट करना। और इसमें हम पहले ग्रेवी डाल सकते हैं, इस दूसरे इसमें। यस। ओके। तो अभी ये हमने साइड में ले लिया है, हम इसमें पहले ये डाल देते हैं ग्रेवी। तो ये हमने टिक्की को कोट कर लिया है पालक के ग्रेवी में, बहुत ही यमी दिख रहा है गाइस। एक ग्रेटर देना ये मेरे को। ओके। इससे हम पनीर को ग्रेट करेंगे। तो ये पनीर हमने यूज किया है गार्निश के जैसा। यस।
तो देखो इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी न्यूट्रिशियस, तो डेफिनेटली आप ये रेसिपी ट्राई करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पालक उनका फेवरेट नहीं है, पर ये अलग है। पालक पनीर जो कि है, हमने कहा जैसे कि वैसे तो बहुत ही फेमस है, सबकी मनपसंद है। थैंक यू वेरी मच, बाय।